कोई शर्त लग गई कि कुत्ते की पॉटी पड़ी हुई थी तो बच्चों में शर्त लग गई अगर ये उठा देगा ना कोई तो मैं खा लूंगा एक जो वहां का जो अल्फा मेल टाइप का लड़का था तो मैंने उठा के हाथ में ले लिया खा मतलब मैं मोहल्ले का तो वैसा बच्चा था जिसकी सब लोग बुलिंग करते हैं जिसकी सब लोग खिंचाई करते हैं ऐसा बच्चा था तो मेरे करेक्टर्स की शुरुआत औरत बनने से हुई है जन्माष्टमी होती थी वगैरह तो मैं सखी बना करता था और मेरी दीदी जब बाजार जाती थी तो उनके दोनों बच्चे बड़े रोते थे तो मैं दीदी की साड़ी पहन के दीदी बन के रहता था तब वो खुश रहते थे जो अच्छे एक्टर हैं वो हमेशा खूबसूरत लगते हैं अब ओमपुरी साहब से खूबसूरत एक्टर मैंने कोई देखा नहीं लेकिन टेलीविज़न सीरियल ऐसे होता है ना जैसे अखबार होता है अगले दिन रद्दी हो जाता है वो हाँ। क्योंकि थोड़ा हवा बदल चुकी थी जिसको मैं बोलता हूँ पोस्ट बालाजी पीरियड मतलब बचपन में सोचा था कि नाम बदला जाए क्या क्या, 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 क्या सके नहीं मुझे लोगों ने कमेंट भी किया कि गलत लिखा है बाकी चीज ठीक है जड़वड़ है ना वा होगा तेरा बाप हाँ मैंने एक ही बार मिर्जापुर <laughs> तो <नाम। laughs> में भी एक ही दफा एक ही सीन किया जिसमें गालिया तो ऐसा कुछ जब ऑफर होता है आप मना कर देते हो या बोलते हो कि नहीं यार मत हाँ अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए बहुत काम एंड कंपोज रहते हो कैसे मेंटेन करते हो ये भी दिखावा है एक नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल मेरा नाम है अविनाश पाल आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो बचपन में काफ़ी उधमी थे शर्मीले थे बचपन में पिता के साथ प्रोजेक्टर रूम से फिल्में देखी जहां ना सिर्फ सिनेमा को लेकर रोमांटिकाइज हुए बल्कि उसका साइंस भी समझा एक दिन में पहचान नहीं मिली लेकिन एक दिन जरूर पहचान मिली मेरे साथ मौजूद हैं राजेश तेलंग जी सर स्वागत है आपका थैंक यू अविनाश कैसे हैं आप क्या चल रहा है आजकल अभी चल तो मतलब एक नई सीरीज कर रहा हूं जी उसकी शूटिंग चल रही है जी

लेकिन ऊपर से यह दिखावा है ये फसाड है हाँ। बाकी विचारधारा ये है ए, क्या कहते हैं ना जैसे जैसे आमतौर पे ये नहीं होता कि आप क्या ट्रेंड में कपड़े चल रहे हैं तो ज्यादातर लोग ट्रेंडिंग कपड़े पहनते हैं ना और कुछ लोग ये होते हैं जो ट्रेंड्स के कपड़े नहीं पहनते हैं जो कंफर्टेबल फील करते हैं जिसमें वैसे कपड़े पहनते हैं तो मन स्थिति भी ट्रेंडिंग वाली नहीं है जिसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ वो वाली है इस तरह से कह सकते हैं <laughs> कभी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा चेंज करता हूँ खुद को जो ट्रेंड में चल रहा है वो करता हूँ थोड़ा शोशा करता हूँ कभी ऐसा कोई ख्याल आता है जहन में नहीं मेरे ख्याल से जो ट्रेंड सेट करने वाले लोग होते हैं वो ट्रेंड में थोड़ी चलते हैं तो कोशिश करूँगा कि ट्रेंड हाँ। नया सेट कर पाऊँ हाँ। हाँ। वो ट्रेंड में रह के नहीं हो सकता हाँ। नया ट्रेंड नहीं बनाया जा सकता थोड़ा सा ना आपकी लाइफ के फ्लैशबैक में चलते हैं राजस्थान में पैदाइश हुई है ना बचपन कैसा था परिवार वाले कैसे थे एक्टिंग का चस्का कब लगा थोड़ा सा बताइए एक्टिंग का चस्का तो बड़ी छोटी उम्र में लग गया था मैं कोई बारह साल का था तब मैंने पहली दफ़ा एक नाटक कर लिया था लेकिन वो नाटक मोहल्ले में ही हुआ था मेरे चाचा जी ने करवाया था तो वो तो एक वो हुआ किस तरह का नाटक था कुछ वो टाइप था कुछ अलग था? नहीं वो महाराणा प्रताप पे था अच्छा हाँ। और वो एक पारसी नाटक था जिसका नाम प्रताप विजय था उसका मुझे एक डायलॉग याद है मैं आपको सुनाता हूँ बारह साल की उम्र में किया था उसका एक डायलॉग था कि भुजदंड के घमंड में मतवाले उद्दंड अपनी उद्दंडता का उचित दंड पाने के लिए तैयार हो जा ये एक एक लाइन मुझे याद अभी था तो वो पारसी रंगमंच का नाटक था तो वो लेकिन किया हमने मोहल्ले में था ऐसे ही बच्चों ने मिलके हम सारे कजिन्स ने मिलके किया था लेकिन एक्टिंग से मेरा जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उससे पहले क्या का रहा वो ये कि मेरे दादाजी का मंदिर था और वो हवेली संगीत करते थे द्रुपद गाते थे वैष्णव मंदिर था तो उसमें जब रास लीला होती थी तो रास देखा करते थे और तो नाटकों से एक तरह से वैसे साबका हुआ और उसमें हम लोग जब कोई जन्माष्टमी होती थी वगैरह तो मैं सखी बना करता था अच्छा, तो घाघरा चोली पहन के सखी बन के डांस किया करते थे, थे हम लोग कृष्ण के साथ तो कृष्ण को प्यार करने वाले तो सखी बनने से ज़्यादा तो कोई कृष्ण की उपासना हो नहीं, नहीं सकती।, हो सकती तो वो करते थे और मेरी दीदी जब बाज़ार जाती थी तो उनके दोनों बच्चे बड़े रोते थे तो मैं दीदी की साड़ी पहन के और दीदी बन के रहता था तब वो खुश रहते थे अच्छा तो इस तरह से वो फीमेल हाँ। इम्पर्सोनेशन पहले किया मैंने तो मेरे करेक्टर्स की शुरुआत औरत बनने से हुई है आसपास के जो दोस्त वगैरह थे कोई मजाक नहीं उड़ाता था नहीं नहीं छोटे छोटे बच्चे थे हम हाँ सबको मजा आता था होली हाँ। में स्वांग धरते थे तो स्वांग अलग अलग तरह के स्वांग रखते थे होली के पहले तो चाचा के पास मामा के पास सबके पास स्वांग धर के जाते थे और तो वो पैसे देते थे तो हमको बड़ा अच्छा लगता था तो पैसे कमाई का जरिया था इस तरह से तो इस तरह से एक्टिंग का हुआ क्योंकि परिवार हमारा पूरा संगीतकारों का पत्रकारों का पेंटर्स का रहा है तो किसी ने इसमें रोक टोक नहीं की यार एक ने बढ़ावा दिया बल्कि उल्टा हुआ, हुआ। कि जैसे लोग पढ़ाई में बच्चों को बोलते हैं कि ढंग से पढ़ो अच्छे नंबर लाओ ऐसे मुझे आर्ट के लिए बोला जाता था कि ढंग से कर यार ये तू तो अच्छे नंबर नहीं लाएगा आर्ट्स में आर्ट के फील्ड में इतनी सारी चीजों के बावजूद शर्मिले थे आप? शर्मिला होना मतलब मैं वो अभी भी हूँ मतलब शर्मीले से मतलब अभी भी लगता है, अभी है? भी लगता है मतलब अभी भी वो जो वो, क्या कहना। क्योंकि मुझे इंटरेक्ट करना वैसे पसंद है जहाँ पे कोई फसाड़ ना रखना पड़े और वो चलता नहीं है तो एकदम सहज रह के जीना चाहता हूँ लेकिन सहजता हर जगह स्वीकार नहीं होती तो इस वजह से मेरी एनर्जी ऐसा लगता है ख़त्म हो रही है इंटरेक्ट करके इस वजह से कटता रहा हूँ हमेशा तो दोस्त वगैरह थे बचपन में दोस्त नहीं थे।, नहीं थे दोस्त बाद में ज़्यादा बने थिएटर करते हुए ज़्यादा बने अदरवाइज़ तो मतलब मैं मोहल्ले का तो वैसा बच्चा था जिसकी सब लोग बुलिंग करते हैं जिसकी सब लोग खिंचाई करते हैं ऐसा बच्चा था मैं कोई वाक्य याद है ऐसा कोई किस्सा खिंचाई किया करते थे कुछ ठीक से वाक्य तो अभी याद नहीं आ रहा मुझे तो इस वजह से मैंने क्या है कि अकेला रहना शुरू कर दिया अकेलेपन कोने में बैठ के अपना कोना ढूंढ लेते हैं ना बच्चे ऐसे उस सोशल स्किल की कमी को दूर करने के लिए लोगों का प्यार में इंटरेक्ट करके नहीं पा सकता था तो मुझे लगता था मैं कोई स्किल सीख लूँ जिसको देख के लोगों का प्यार मुझे मिल जाए तो ये हुआ या सर्कस में एक बार भाग गया था मैं सर्कस में जोकर बनने के लिए फिर हाँ। सर्कस वालों ने मेरे फादर को बुलाया कि ले जाओ अपने बच्चे को थोड़ी देर मुझे वहाँ खिलाया शेरों को हाथ लगवाया बंदर के हाथ से खाना खिलवाया मुझे और बहुत सारी चीज़ें की सर्कस में लेकिन उन्होंने वापस भेज दिया पिटाई पड़ी घर आने के बाद नहीं पिटाई कभी नहीं पड़ी ऐसी घर वालों ने कभी नहीं मारा घर वालों ने कहा कि ये है ही ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया था कुछ हाँ। करते नहीं थे और पागल जब, है ये जब तो जादू सीखने हाँ। के लिए एक बार का किस्सा सुनाता हूँ कि मोहल्ले में हमारे एक जादूगर आया नट आते थे ना पहले जादू करने के लिए मोहल्ले में तो जादूगर आया तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया वो जहाँ जहाँ करता रहा मुझे राजस्थान की बीकानेर की बात है बीकानेर की मैं पीछे पीछे जाता रहा जाता रहा जाता रहा तो एक जगह और कहीं परफॉर्म किया देखता रहा फिर कहीं और परफॉर्म किया फिर वो रेलवे स्टेशन के पास पटरियों में चला गया और पटरियों के पास उसने छोटा सा घर बना रखा था तो मैं उनके पास जाके दूर बैठ गया पटरियों में उसके पास जाके तो उसने नोटिस किया कि बहुत देर से ये घूम रहा है मेरे पीछे पीछे उसने बुलाया मुझे क्या बात है मैंने कहा मुझे जादू सिखा दो तो उसने कहा पैसे लगेंगे कितने हैं तेरे पास तो मेरे पास जितने पैसे थे उस जमाने में तो मतलब बीस पैसे पच्चीस पैसे एक दिन की पॉकेट मनी मिलती थी मैंने डेढ़ रुपये इकट्ठे कर रखे थे तो मैंने कहा मेरे पास डेढ़ रुपये मैं वो सारे लेके आया था उसको डेढ़ रुपये दिए तो उसने मुझे दो तीन जादू सिखाए सिक्के के ऐसी चीज़ें करता था जिससे मुझे लगता था कि शायद ऐसी कोई स्किल दिखाऊंगा किसी को बोल बातचीत करना आता नहीं तो कोई स्किल दिखाऊंगा तो कोई प्यार कर लेगा मुझसे आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था पढ़ रहा था चीज़ें देख रहा था

तो उसने पकड़ के मेरे मुंह पे मारा उसको उस दिन के बाद से मुझे कोफ्त हो गई उस उस जगह से फिर मैंने बाहर दोस्त बनाने शुरू किए और वो शायद हेल्पफुल रहा मेरे लिए ये सब चीजें होती थी आप घर पे जाके घर वालों को माता पिता को बताते थे या नहीं 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 बताता था क्या क्या थाट रहता था उसके पीछे मुझे लगता था समझेंगे नहीं शायद ये लोग या इतनी घर में चहल पहल और इतनी रहती थी कि किसी को नहीं था आए और फिर लग गए हाँ। हम भी मस्त हो जाते थे ऐसा नहीं है कि उस हाँ। चीज को लेके दिमाग में रख के बैठे, बैठे रहते हाँ। थे हाँ। बीकानेर से दिल्ली <clears throat> वो सफर कैसा रहा कब लगा कि चलो के लिए जाते हैं थिएटर पकड़ते हैं या प्रॉपर अब कब वो जहन में आया कैसे वहां तक पहुंचे कि अब एक्टर ही बनना है हाँ वो ऐसे हुआ कि मेरे बड़े भाई जो कार्टूनिस्ट थे दिल्ली में रहते थे गर्मियों की छुट्टियां जो होती थी उनमें स्कूल की तब मैं दिल्ली आ जाता था तब उनकी शादी नहीं हुई थी तो मैं उनके साथ ही ऑफिस आ जाता था बैठा रहता था तो उनको बोर करता था परेशान करता था तो उन्होंने कहा कि तू कुछ कुछ नाटक और इस तरह की हरकतें करता रहता ना कभी जादूगर बनता है कभी जोकर बनना चाहता है कभी नाटक करता है तो यहाँ पे एन के बच्चों की वर्कशॉप हो रही है तो वहाँ तेरा एडमिशन करा देता हूँ तो वो मैंने समर वर्कशॉप की तब मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे ऐसे है अगर आपने दस नाटक किए हुए हों ग्रेजुएट हों तो आप एक ऐसा कोर्स कर सकते हैं एन में गया तो वहाँ सबके पोस्टर्स फोटो सब कुछ देखा मैं चौदह साल का था तो तब मुझे पता लगा तो मुझे लगा यार ये सही चीज़ है इसमें कोई रोकेगा भी नहीं और कुछ सेफ्टी है कि किसी तरह से और मेरा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था हाँ। तो मुझे लगा कि एक प्रॉपरली सीखने को मिलेगा सिस्टमेटिक वे में तो मैंने वो वहाँ से मन बनाया फिर बीकानेर वापस गया बीकानेर में मेच्योर थिएटर ज्वाइन किया ऐसे ही जो नाटक होते थे देखने चला जाता था हाँ। उधर बात करता था तो किसी ने रख लिया मुझे कि हाँ करो नाटक तो वो नाटक करने लग गया फिर हर गर्मी की छुट्टियों में आके दिल्ली में वर्कशॉप भी करता रहा मैं जितने तो हाँ। ऐसे हुआ तो मैं ग्रेजुएट हुआ तब तक पंद्रह नाटक करीब मैंने कर लिए थे और लकीली मेरा पहले ही अटैम्प्ट मेंसिटी में एडमिशन में हो गया

उस दुनिया में पहला दिन आपका कैसा था मेरे लिए वो एन का जो जो हवा था ना वो रहा नहीं क्योंकि मैंने बचपन से एन की एक एक कोने को जानता था मैं और दो बार मैंने करीब डेढ़ डेढ़ -डे महीने की वर्कशॉप वहां पे, पे की थी हाँ। तो इसलिए मेरे लिए एन का वो हवा नहीं था मतलब वो बड़ी बात थी एनएसडी में होना लेकिन जो एन की ओ में रहते हैं ना वैसा नहीं था क्योंकि मुझे सब मतलब कम्फर्ट लेवल था हालांकि एन में होना एक बड़ी बात थी और पूरे मतलब मेरे राजस्थान से तो मैं शायद बहुत वक्त बाद किसी का हुआ था करीब 20-25 साल बाद मतलब बीकानेर से किसी का एडमिशन हुआ था तो मेरा था तो बड़ी बात थी आपने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी एक लाइन कही थी मेरा नाम है राजेश तेलंग एक्टर हूँ लेकिन दोनों ही बात कहने में शर्म करता हूँ राजेश बहुत कॉमन नाम है और एक्टर बोलते ही लोगों की नजरें बदल जाती हैं ये शुरुआत में लगता था मुझे कि 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 मेरी दो बातें बोलता मैं रा, राजेश हूं, हूं। राजेश और एक्टर बड़ा कॉमन नाम है है ना जैसे भीड़ में पत्थर मारेंगे तो सीधा राजेश को ही लगेगा बड़ा कॉमन नाम तो वो उसका लगता था वो अब वो अब भी लगता है कि बड़ा कॉमन कभी सोचा नाम बदल लेते हैं नाम बदलने का कभी नहीं सोचा लेकिन मतलब बचपन में सोचा था कि नाम बदला जाए क्या 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 क्या, क्या नहीं, तो थे नहीं मुझे मेरा एक ही नाम सोचा था मैंने क्या वो नाम था ललित ललित और अब राजेश घर से बाहर निकलते ललित क्लॉथ स्टोर था वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ था तो मुझे बचपन में वो अच्छा लगता था ललित क्लॉथ मिर्जापुर के बाद तो ललित नाम रखने को और भी वो हट गया और वो बिल्कुल वो वाला बोल भी नहीं सकते हूँ एक्टर का वो शुरुआत में मुझे खुद को ही भय लगता था घर वाले तो साथ दे रहे थे आपको ये लगता है ना कि ये क्या हीरो बनेगा एक्टर का मतलब हीरो बनेगा ही लोग समझते हैं ना और हीरो ए, एक सो so कॉल्ड हीरो जैसा आ, ना तो अपना कभी वैसा था क्या देखने का नजरिया जिंदगी का ना दिखने का नज़रिया वैसा था और हम तो बीकानेर में मतलब पोस्टर देख के खुश हो जाते थे एक पिक्चर हॉल हमारे घर के पास ही था तो उसमें कान लगा के सुनते थे क्या डायलॉग्स चल रहे हैं और एंड में वो क्रेडिट से पहले दरवाज़ा खोल देते थे तो वो थोड़ा देख लेते थे तो एक उसका हुआ बहुत ज़्यादा था तो ऐसा बोलना बहुत ही मुश्किल लगता था अभी लुक्स की आपने बात की मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात करी थी कुछ दिन पहले तो उन्होंने बहुत ओपनली बोला कि अविनाश लोग ना वक्त के साथ बदल जाते हैं एक वक्त पे जो मेरे को बोलते कि कैसा दिख रहा है तू एक्टर बनेगा क्या ने, हाँ, मैंने वो वाला देखा था उसमें था बाद में देखने लगते हैं कैसा दिखता है नहीं वो वाला मेरे है नहीं कभी भी आउटर वाला मेरे को रहा नहीं मुझे हमेशा लगता है कि जो अच्छे एक्टर है वो हमेशा खूबसूरत लगते हैं और अगर कोई खूबसूरत है तो थोड़ी देर के लिए ही अच्छा लगता है उसके बाद अच्छा लगना बंद हो जाता है अब ओमपुरी साहब से खूबसूरत एक्टर मैंने कोई देखा नहीं है ना ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो बड़े खूबसूरत नवाज खुद एक खूबसूरत एक्टर है तो खूबसूरती चरित्र में बतौर एक्टर हर किसी का एक प्रिपरेशन का तरीका अपना होता है जैसे रणवीर सिंह खिलजी बनते हैं तो फिर पता लगा कमरे में बंद हो गए और वो निकल ही नहीं पा रहे उसके म्यूज़िक का सहारा लेते हैं हाँ आपका प्रोसेस क्या है किरदार में ढलने के लिए कैमरा ऑन हुआ एक्टिंग करी ऑफ होके नॉर्मल हो जाते हो या वो कैरेक्टर बहुत बार घर आ जाता है नहीं कैरेक्टर घर नहीं आ जाता लेकिन कैरेक्टर जहन में हर वक्त रहता है हुँ. जो कर रहे हैं आप आ, मतलब मैं उसकी मेरे मेरा उसके मेरा उसकी भावनाओं से ज़्यादा उसके दिमाग में घुसने की कोशिश होती है किसी भी चरित्र की कि उसकी विचारधारा क्या है उसका मेंटल फैब्रिक कैसा है उसकी मनस्थिति को पकड़ने की कोशिश करता हूँ बजाय इसके कि उसकी क्या कहें बहुत की भावनाओं को और लोगों का ध्यान आमतौर पे ज़्यादातर उन चीज़ों पे होता है या आउटर पे होता है उसके कैरेक्टर के आउटर की हेल्प के लिए बहुत सारे लोग हैं वो डिज़ाइन किया जा सकता है प्लान किया जा सकता है लेकिन एक हर कैरेक्टर की अपनी इंटरनल रिदम होती है एक उसका सुर होता है उसका पेस होता है वो आपको उसकी मनस्थिति जान के ही पता चलेगा क्योंकि कोई भी कैरेक्टर क्या चाहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना स्क्रिप्ट में कि ये ये एक जिंदगी जी रहा है लेकिन इस जिंदगी में इसकी चाहत क्या है वो जानना है मेनली और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज लगाता है ये तो वो दिमाग देता है कैरेक्टर का तो मेरी सोच पूरी उसकी चरित्र की आ, दिमागी यात्रा पे रहती है हमेशा और ऐसा वैसा कभी साथ? कभी हाँ। वो आप जो कह रहे हो ना वो तो करते हुए कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप बहुत ज़्यादा किसी चरित्र था? में घुस जाते नहीं ऐसा नहीं हुआ मुझे लगता है प्रोफेशनल एक्टर होने का मतलब ये है कि आप उसको तुरंत उतार पाए और अगर आप तुरंत नहीं उतार पाते हैं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप उसको तुरंत चढ़ा भी नहीं पाते जिसके उतरने में वक्त लग रहा है उसको चढ़ने उसको चढ़ने में भी वक्त लगेगा उस चरित्र को अपने अंदर चढ़ाने में तो इसलिए मुझे लगता है कि आप में ये होना चाहिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाला एक एक्टर के तौर पे वो स्विच ऑन स्विच ऑफ कोई मशीन की तरह नहीं होता एक थोड़ा सा फेड इन फेड आउट होगा बट वो फेड इन फेड आउट का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए दिल्ली पहुंचे एनएसडी से जुड़े और वहीं पर आपको मिला आपका पहला शो में दूरदर्शन के लिए शांति जी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वो कैसे मिला तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये बताइए <laughs> वो मिला कब और कैसे वो क्या मतलब 94 की बात है एन एस के वॉशरूम में था मैं जी तो आ, हमारे एन के एक प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करते थे महेश जी और और इस शो के वन ऑफ द डायरेक्टर से पार्थो मित्रा वो भी वॉशरूम में मेरे साथ थे और फिर उन्होंने मेरे से वॉशरूम में ही हाथ वगैरह धोते हुए पूछा कि आप भी एक्टर ही हो एन के ही हो कि तो मैं एक सीरियल बना रहे हैं हम लोग और आप आओ और ऑडिशन दो मुझे देख के लग रहा है कि आप इस कोई एक करेक्टर है मेरे पास आपके लिए ऐसे करके हुआ था हालांकि ऑडिशन दिया था मैंने दिल्ली में भी दिया था एक बॉम्बे में भी दिया था ऑडिशन और बारिशों के दिनों में ही दिया था मुझे याद है आज भी वर्ली में यूटीवी का ऑफिस होता था उस जमाने में और मैं बस से उतरा और बस स्टैंड से वर्ली यू का ऑफिस काफ़ी दूर था और लेट हो चुका था ऑलरेडी तो मैं पूरा तर बतर हो के उस ऑडिशन में पहुँचाऊँ और वो सीन मैंने ऐसे ही मोटिवेशन बना के किया कि ये भीगा हुआ है और शायद वही काम कर गया वो सीन क्या था शायद मंदिरा और एक कोई करेक्टर था उनको मैं देख लेता हूँ हाँ। तो कि रहा रहा हाँ। कितना बदल गया तब में 90s में जब आप शुरू किया टीवी फिर सिनेमा में और अब पहले ऑडिशन ज्यादातर डायरेक्टर्स ही लिया करते थे या उनके असिस्टेंट लिया करते थे कास्टिंग डायरेक्टर होते नहीं थे लेकिन अभी वो कास्टिंग डायरेक्टर्स लेते हैं तो कई दफ़ा एक डायरेक्टर ही जब आपका ऑडिशन ले रहा होता है तो कैरेक्टर की ब्रीफिंग प्रॉपर हो जाती है सही होती है कि जो वास्तव में देख रहा है अदरवाइज क्या डायरेक्टर ने एक कास्टिंग डायरेक्टर को बोला वो फिर कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट को बोला और इसमें क्या है कि जनरेशन लॉस होता रहता है थॉट का और फिर उससे एक्टर ने क्या समझा और फिर किया तो काफी जनरेशन लॉस हो गया उसमें थॉट में तो वो काफी वैसा था लेकिन वो मुश्किल भी था क्योंकि डायरेक्टर से मिलना और प्रोड्यूसर से ही मिलना पड़ता था सीधा उसके अलावा कोई चारा नहीं था तो वो मुश्किल भी होता था अब थोड़ा इजी इजी हो गया इजी हाँ। इन द सेंस आपको पता है कि किस दिशा में मेहनत करनी है पहले यही नहीं पता था आप करोगे तो क्या करोगे जैसे जब मैं बॉम्बे आया तब जी टीवी नया नया शुरू हुआ था तो दूरदर्शन में अगर पांच या सात सीरियल आ रहे हैं जो आ रहे हैं जी टी में भी प्राइम टाइम सिर्फ दो घंटे का होता था उसमें दो या तीन चार सीरियल आ रहे हैं तो मुश्किल से सात या आठ दस सीरियल बन रहे होंगे टोटल और उसके अलावा अगर कुछ बन रहा होगा तो फिल्में बन रही होंगी तो अगर आपका इन दस सीरियल में नहीं हुआ और किसी फिल्म में नहीं हुआ तो आप एकदम बेकार हो खाली खाली हो कुछ भी नहीं हो सकता आज की डेट में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जो पहले नहीं थी हालांकि लोग भी ज़्यादा हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं सर्वाइव uh, करने के लिए एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं पहले या तो एक सीरियल लेकिन पहले ऐसे भी था अगर आप एक सीरियल में आ गए तो आप स्टार बन जाओगे अभी ऐसे कितने सारे लोग मिल जाएंगे जो दस सीरियल भी कर चुके होंगे या पांच वेब सीरीज भी कर चुके होंगे दे आर सर्वाइविंग मतलब अच्छी तरह से बट उनको पहचान वो नहीं मिली है पहले एक काम से पहचान मिल जाती थी जैसे शांति से मुझे मिल गई थी तो सर्वाइवल मुश्किल था अभी सर्वाइवल कंपेरेटिवली आसान है मुझे लगता है बट पहचान बनाना ज्यादा मुश्किल हो गया आपने पहचान का जिक्र किया मेरे साथ क्या है मैं जब भी अगर किसी से भी बात करने जाता हूँ मैं अपने आसपास के लोगों से टीम से ऑफिस में घर परिवार में बात करता हूँ मैंने बोला मैं राजेश तेलंग से बात करूंगा कुछ हो तो बताना तो लाइक कौन मैंने फोटो देखा अरे ये इनसे ये पूछना ये बताना अरे इनकी वो बोलना ये शो बहुत अच्छा था ये सीरियल अच्छा था ये जो रिएक्शन है लोगों का इसको कैसे देखते हो ये मुझे कई बार मतलब जो नाम से जानते हैं भी बहुत सारे लोग मिलते हैं बिल्कुल और जो चरित्र से जानते हैं हाँ। वो थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा मिलते हैं हाँ। और कई दफा दो चार ऐसे भी मिलते हैं मुझे जो कहीं तो खाली ऐसे करते हैं कि जैसे कुछ अटक रहा है उनके और वैसे से भी मिलते हैं और जो मतलब आपको आधा पहचानते हैं पौना पहचानते हैं साढ़े तिरसठ परसेंट पहचानते हैं कुछ अजीब सा, है तो, <laughs> मतलब सा पहचानते हैं वो तो हाँ मतलब कुछ अजीब सा पहचानते हैं और कई लोग तो आके ये भी पूछते हैं ना कि आपको देखा है क्या क्या किया है आपने मतलब बायोडाटा देना पड़ता है उनको क्या बताते हो ऐसे, ऐसे कोई किस्सा है मैं मिला? कुछ ऐसे एक दो बार हाँ। कभी कभी एयरपोर्ट में या कहीं हाँ। टकरा जाते हैं जो हाँ। लोग अब नहीं पहचान रहे हो तो कोई बात नहीं मत बात करो यार है हाँ। ना पूरा सही बायोडाटा लोग है तो ऐसे कई एक दो होते हैं जिनको फिर मैं क्या कहता हूँ यार करता हूँ एक्टिंग करता हूँ थोड़ा बहुत देखा होगा आपने कहीं है ना नहीं तो आप गूगल कर लीजिए मैं बता देता हूँ और क्या कहूँ <laughs> बहुत सारे लोग आयुष्मान खुराना है कितना लेट अपनाया मेरे मैं बता रहा हूँ शुरुआत मेरी आसान रही काम क्योंकि लेके आए थे काम ऑलमोस्ट लेके ही आया था एक ऑडिशन दे दिया था पहला राउंड हो गया था दूसरा राउंड बॉम्बे में जैसे वो बारिश वाले दिन किया वो हो गया और लेकिन उसके बाद मेरे लिए मुश्किल शुरू हुई जब वो क्योंकि टेलीविज़न में पहचान मिल जाती है तब फोटोग्राफ तो खिंचवा देने वाले कोई होते नहीं थे मोबाइल होते नहीं थे तो लोग ऑटोग्राफ लेते थे पहचानते थे ऐसा ज़रूर था लेकिन टेलीविज़न सीरियल ऐसे होता है ना जैसे अखबार होता है अगले दिन रद्दी हो जाता हो, हाँ। पे है वो उस पर चाट पकौड़ी खाते हैं भेल पूड़ी खाते हैं लोग रख के तो ऐसे ही टेलीविज़न सीरियल भी वैसे ही होता है कि जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन आपकी पहचान भी ख़त्म हो गई तो वो पहचान एकदम खत्म हो गई मैंने उस दौरान ये डिसे, डिसाइड किया कि एक टी तो डेली शोप कर ही रहा पहला डेली शोप था इंडिया का एक डेली शोप तो कर ही रहा हूँ तो अब टेलीविज़न का जब मिल रहा था काम तब मैंने किया नहीं और सोचा फिल्म में ही ट्राई करूँगा क्यों मुझे लगा सर्वाइवल है फिल्म की मैंने पाँच सात फिल्में की लेकिन टेलीविज़न उनमें कुछ ऐसा बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो और बाद में जब ये शांति ख़त्म हुआ तब टेलीविजन में भी काम नहीं मिल रहा था बाद में नहीं मिला क्योंकि थोड़ा हवा बदल चुकी थी जिसको मैं बोलता हूँ पोस्ट बालाजी पीरियड अच्छा हाँ तो उसमें अलग तरह के एक्टर्स की ज़रूरत थी उनको एक्टर्स मेरे ख़्याल से ज़्यादातर चाहिए ही नहीं थे हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने उनमें भी अच्छे एक्टर्स ने काम किया है बट हमारे जैसे लोगों के लिए ज़्यादा रोल्स बचे नहीं चाचा ताऊ टाइप का मतलब और मैं बीच की एज में भी था मतलब ऐसी एज में था जिसमें एकदम यंग कैरेक्टर भी नहीं मिल सकता और एकदम बूढ़ा भी नहीं मिलता और, और ऐसे भी नहीं बन सकता तो कोई स्लॉट भी नहीं मिल रहा था तो ऐसे में क्या बचता है आपके पास कैरेक्टर्स बचते हैं इंस्पेक्टर लॉयर डॉक्टर इस तरह के वन डे टू डे कैरेक्टर्स बचते हैं वो करके कोई फायदा नहीं था तब तब थोड़ा एक स्ट्रगल का अलग रूप देखा जब काम मिलता है आप काम करते हो आप मेंटली स्टेबल रहते हो बट अब क्योंकि पैसा की जुगाड़ से हो रही थी घर से था या पैसा लेना तो करता ही था तो बहुत ही मजबूरी हो तो कभी कभार घर वाले हमेशा थे साथ ऐसा नहीं है बट अवॉइड ही किया हमेशा अपनी तरफ से करने की कोशिश की फिर मैंने छोटे छोटे रोल भी किए उस दौरान बहुत सारे कुछ कुछ बहुत छोटे रोल्स भी किए मेंटली कैसे खुद को मेंटली बना के रखा क्योंकि नहीं तब आ, मैं मेंटली टूटा जो ये आज मेंटल ताकत आप जो कह रहे हैं वो तभी की बनी हुई है मैं टूटा लेकिन सरवाइव करने के लिए मैंने बहुत छोटे छोटे रोल किए ऐसी एक दो फिल्में की जिनका जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा ठीक है नाइनटीन में एक फिल्म आई हजार चौरासी की माँ जिसके निर्देशक थे गोविंद नहलानी और आपके साथ में थी जया बच्चन है ना

अनुपम ने भी किया था तुम भी कर लो क्योंकि मैं छब्बीस साल का था छब्बीस साल जब मैंने पैंसठ साल के बूढ़े का किया कैरेक्टर कर, और एक्टर एज एन एक्टर यही चैलेंजिंग होगा आपके लिए उसके अलावा आपको डर भी लगा रहता है क्योंकि एक तो बूढ़े का करेक्टर आप कैसे कर पाएंगे और दूसरा ये कि सीमा जी की जस्ट तब फिल्म आई थी बंदिश बैंडिट, बैंडिट क्वीन में क्वीन आई थी तो बैंडिट क्वीन के बाद उनके साथ खड़े होके उनके हस्बैंड का रोल करने में और डर लग रहा था मुझे और गोविंद जी के साथ गोविंद इतने बड़े नाम है। तो, बट फिर भी अच्छे से हो गया तो वो, वो, वो कुछ, कुछ जयते हंसल मेहता जी की पहली फिल्म थी और अनुराग की भी पहली फिल्म थी अनुराग कश्यप ने वो पहली फिल्म लिखी थी कोई बट शायद बन नहीं पाई थी वो बन गई अच्छा वो रिलीज ही नहीं हुई कभी टीवी फिल्म किया फिर आया ओ टी टी जिससे I think ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके थ्रू ही पहचान मिलना शुरू हुई जी बताओ एक्टर आपको सबसे ज़्यादा मजा किस में नहीं अप्रोच तो यही रहती है कि मेरा काम तो एक्टिंग ही करना है लेकिन मजा मुझे लगता है ओ टी टी और फिल्म में ही आता है टेलीविजन का काम में प्रेशर बहुत होता है और इसलिए क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती क्योंकि एक दिन में एक एपिसोड आपको पहुंचाना है हालांकि मैंने बहुत वक्त से किया नहीं इसलिए मैं कमेंट करने ये कमेंट करने लायक भी नहीं समझ रहा अपने आपको फिर भी मैंने जितना देखा है उसमें लगता है कि एक ही दिन में आपको इतना प्रोड्यूस करना है जहाँ आप फिल्म कर रहे हैं तो एक दिन में तीन या चार मिनट निकालेंगे एवरेज ओ कर रहे हैं तो छः सात मिनट कर लेंगे और इधर वही टेलीविज़न कर रहे हैं तो आपको बीस से पच्चीस मिनट का काम करना है एक दिन में वो क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज करता है एक, एक एक्टर को जो प्रोसेस मिलना चाहिए जो वक्त मिलना चाहिए वो नहीं होता तीनों मीडियम के फीस में फर्क होता है मुझे लगता है एक्टर की फीस होती है मीडियम की, की फीस नहीं होती, होती। हाँ। आप एक्टर के तौर पे क्या है आपकी कीमत वो मिलती है आपको आप ना उन चुनिंदा एक्टर्स में से हो जो ओटीटी पे काम करने के बाद भी जो गाली गलौज वाला जो होता है ना उसमें बहुत बचे हुए हो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद एकाध सीन ही कोई रहा हो अभी तक आपने जितना OTT पे काम किया जिसमें कुछ ऐसा किया हो हुआ हाँ मैंने एक ही बार मिर्जापुर में भी एक ही दफा हाँ। एक ही सीन किया है दी है मैंने तो उसके अलावा जब ऑफर होता आप मना कर देते हो या बोलते हो कि नहीं यार मत करवाओ नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुझे नहीं लगता कि ये जो गालियों को लेके बहुत ज्यादा ये हवा बना रखा है ना हमने कि गाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये बहुत ही बड़ा मॉरलिस्टिक स्टैंड लगता है मुझे अ हाँ अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए ओबियसली बट गाली हम आम जीवन में आसपास सुनते हैं तो गाली अगर रियलिटी को दिखाने के लिए ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत हो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं लगती मुझे कभी कोई बट ऐसे, ऐसे खाली हाँ। फॉर सेंसेशन नहीं होना चाहिए ना कभी कोई सीरीज हाँ? इस वजह से सिर्फ मना कर दिए क्योंकि उसके कैरेक्टर में गाली थी नहीं इसलिए नहीं इसलिए कभी मना नहीं की और ऐसा मुझे कोई

बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ओटीटी पे जिनको गालियों की वजह से ही लोगों ने बहुत पसंद की है आ, आपको कोई ऐसा पसंद है कि यार ये गाली देता है तो मजा आता है सुन के <laughs> नहीं गाल अब वो वो वाला है जिसका मैंने बाद में मनोज का इंटरव्यू भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि यार ये प्रमोशन वालों ने करवा दिया आ, हमें करना भी नहीं चाहिए था हां है ना तो उन्होंने बहरहाल जो किया लेकिन वो उसको सुन के बहुत लोग मजे लेते हैं उस इंटरव्यू को और उन्होंने बड़ी गालियों की अच्छी व्याख्या की है उसमें और गाली से सच आराम तो मिलता ही है ना एक तसल्ली मिलती है आपने भी मिर्जापुर का जिक्र किया मिर्जापुर से रिलेटेड दो चीज़ें पहली चीज़ तो कि एक मीम चल रहा है आजकल बहुत शायद आपने देखा हो जिसमें आपका पोस्टर आपकी फोटो लगे और लिख रहे हैं कि यही है, बवाल की आ, जड़, जड़। आ, और अब यही सारी करके। देखा है हाँ मैंने देखा वो बहुत काफी हाँ, जगह मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा भी वो हाँ, मैंने उनके वहीं जाके उसी जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ उनको जाके उसमें कमेंट भी किया क्या कि सब देख रहे हैं हम रिप्लाई आया उसके, उसके बाद सब लोग <laughs> सब लोगों को कह रहे सर हम तो आपके फैन है सारा लेकिन पहले उसमें भी ज्यादातर पॉजिटिव ही कमेंट है देखिए ये सच भी है कि मिर्जापुर का ये कैरेक्टर जो है वो उसी वजह से सारा ट्रिगरिंग पॉइंट है वो हाँ। सीजन वन का ट्रिगरिंग पॉइंट है कि लड़ाई क्यों शुरू होती है वो ये रमाकांत पंडित का कैरेक्टर ही इसका सच में जड़ है

हिट हुआ फ्लॉप हुआ एवरेज गया जो भी रिस्पॉन्ड मिला दर्शकों की तरफ से क्या इसकी सक्सेस या फ्लॉप होने से आगे आने वाले कामों पर असर मिलता है देखिए एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मैं ऐसे स्पेस में हूँ जो बड़ा फायदे का स्पेस है हुँ. वो ये कि अगर सीरीज फ्लॉप हो जाती है कोई भी काम फ्लॉप हो जाता है तो उसका आपके ऊपर नहीं होता दोष नहीं आता हुँ. कि यार आपकी वजह से फ्लॉप हो गया अगर आप मेरी एक्टिंग पसंद की है तो एज एन एक्टर मुझे मैं चाहता हूँ कि इमेज या मेरा काम एक सर्टेन लेवल का रहे लेकिन हिट होती है तो ज़रूर फायदा होता है ये ज़रूर है क्योंकि फ्लॉप या अगर कोई लोगों को ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया हो या कम चला हो उसमें आपने कितनी भी मेहनत की हो लोग नजर नहीं जाती लोगों के आपकी मेहनत और आपके काम पे और अगर कोई हिट काम होता है तो आपने चाहे उतना बेहतर काम ना भी किया हो हुँ. जितना कि आपने किसी फ्लॉप जो काम हो उसमें किया हो ओ, लेकिन उसका फायदा ज्यादा होता है अब ये एक अजीब सी चीज़ है इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होती है मुझे लगता वार? है कि जो पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग ही पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं मैं पॉलिटिक्स करता ही नहीं मैं जेनुइन एफर्ट्स में यकीन रखता हूँ क्योंकि दो ही तरह के एफर्ट्स हो सकते हैं या तो जेनवइन एफर्ट होता है या मैनिपुलेटिव एफर्ट होता है मैं जेनविन एफर्ट करता हूँ दूसरा कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो उसका वो मुझे आता नहीं अना तो वो है और बाकी पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होती कभी ऐसा हर लेवल हाँ। पे हर जगह होती है किसी छोटे से दफ्तर में भी होती है और बड़े लेवल जितना बड़ा लेवल होगा उतनी बड़ी पॉलिटिक्स होगी कभी ऐसा हुआ कि कोई कैरेक्टर ऑफर हुआ और सारी चीजें हो रही फिर एकदम से बोलो कि नहीं अब आप ये नहीं कर रहे वजह भी नहीं ऐसा कई बार होता है ऐसा कई बार हुआ है कि कोई आपको कैरेक्टर मिला है और इन टाइम में उसमें बदलाव हो गया और क्या वजह है उसकी वो आपको सही बताई नहीं जाती या आपको पता भी नहीं चलती मैं ऐसे सोचता हूँ जब मुझे मिला होगा तो हो सकता है किसी और के लिए वही बात घटी हो चीजें देखने का आपका चश्मा बड़ा अलग है मेरे को ना एक चीज हमेशा जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है जब भी कलाकारों को के साथ, एक्टर्स के साथ साथ एक्टर्स बैठता हूँ फैन मोमेंट्स बड़े मजेदार मजेदार बताते रहे नवाजुद्दीन ने बताया था कि वॉशरूम में वो टॉयलेट कर रहे थे और एक फैन आके ऐसे उनका वीडियो बना रहा है <laughs> कभी आपके साथ कोई फैन मूवमेंट हुआ है कुछ ऐसा जो हटके रहा हो क्योंकि बहुत बार ना चाहते हुए भी ना फैंस अपनी बहुत बार लिमिट भी भूल जाते हैं सीधे आके पकड़ ले रहे हैं सेल्फी दे दो खींचा मुकी नहीं ये तो ऐसे तो कई बार मतलब ऐसे खींचा मुक्की तो नहीं ऐसे धक्का तो कभी हुई नहीं लेकिन मुझे मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे मेरे साथ अक्सर होता है कि लोग आके मेरे से एक्टिंग के बारे में बात करते हैं आपका वो अच्छा लगा वो चरित्र अच्छा लगा आप ऐसे करते हो तो अच्छा लगता है या उसकी कुछ गहरी बात बताते हैं कोई कैरेक्टर की वो नोटिस किया उन्होंने जो बड़ा खुशी होती है तो आप किसी के फैन हो आपको जैसे हम लोग आप लोगों को और बहुत सारे लोगों को देखे आप हो किसी को जिसको देख के आपको हुआ हो वो हूँ अभी भी बच्चन साहब के लिए हमेशा हाँ. से रहा हूँ और अभी भी हूँ उनके साथ काम भी करने का मौका मिला था मुझे 2004 में देव फिल्म में देव हम्म तो लेकिन अभी भी चाहता हूँ कि उनके साथ काम कर पाऊँ ठीक से क्योंकि तब मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर इतना इवॉल्व नहीं था अभी थोड़ी यात्रा तय की एक्टिंग में अब शायद उनके साथ काम करके और मुझे और करने का भी मौका मिले और उनको और समझने का भी मौका मिले कुछ चार चीजें उनके साथ रह के तो अभी कोई मौका दे बच्चन साहब के साथ तो बड़ी खुशी होगी मुझे अभी तक जो फिल्मोग्राफी रही है आपकी उसमें एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगा विनाश बतौर एक्टर ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा वो कौन सा होगा अगर मैं पूछूँ तो हर कैरेक्टर चैलेंजिंग होता है हर एक के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं है ना जैसे बंदिश बैंडिट में करेक्टर इतना चैलेंजिंग नहीं है आई कैन मतलब जो कर सकते हैं ऐसा हाँ। है लेकिन उसमें जैसे जो स्किल्स एक्वायर करनी वो कठिन है ब्रदंग बजाना रियलिस्टिक लगे गाना रियलिस्टिक लगे हाँ। बांसुरी बजाना रियलिस्टिक लगे तबला बजाना रियलिस्टिक लगे ये स्किल्स एक्वायर करने उसका चैलेंज अलग है बहुत सारे स्किल्स तो आप में हैं हाँ मतलब वो उसी वजह से थोड़े और हाँ। शार्प हो गए ऐसे ही अलग अलग में होता है ना जैसे अब जैसे वो बूढ़े वाला कैरेक्टर किया तो उसमें बुढ़ापा लाना फिजिकली और एकदम बूढ़ा भी नहीं और एकदम क्लीशे बूढ़ा भी नहीं की टिपिकल था। वैसे टिपिकल बूढ़ा भी नहीं और वो लाना तो हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ एक ऐसा जरूर चैलेंजिंग होता है ऐसा है जिसको निभाना चाहता मैं निभाना चाहूंगा लेकिन अगर मैं वो फिल्म बना रहा हूँ तो मैं खुद भी उसमें खुद को कास्ट नहीं करूंगा क्यों क्योंकि मैं बिल्कुल सूट नहीं करता हूँ उस कैरेक्टर के लिए लेकिन मुझे वो पसंद कौन है कौन सा ना? अगर किशोर कुमार की लाइफ पे बने हाँ। तो मैं वो करेक्टर करना चाहूँगा लेकिन मुझे कोई कास्ट नहीं करेगा मैं खुद भी कास्ट नहीं करना चाहूँगा उस करेक्टर में अपने आप को बट किशोर कुमार की जो लाइफ है और उनकी जो आर्ट है उसकी बड़ी कदर है मुझे वो वो एक गम को जितना डिसिप्लिन जिसको ग्रेसफुली उन्होंने गाया है वो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है उनमें दोनों चीज़ें थी ना जो एक चैपलिन वाली बात थी ना कि एकदम कॉमेडी भी था और एकदम गहराई भी थी ऐसे थे वो एक्टर्स अलग अलग जब काम करते हो उदाहरण के लिए आपने हसीना पार्कर में श्रद्धा के साथ काम किया अभी उला जा रही है जानवी है उसमें अगर मैं इंडस्ट्री वाला टिपिकल वर्ड यूज करूँ स्टार किड उनके साथ काम करना कुछ अलग होता है या वो भी नॉर्मल हैं इन, इन, दोनों के साथ तो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही जिसको कहना मेहनती डाउन टू अर्थ और वेरी कोऑपरेटिव बहुत अच्छे से दोनों के साथ काम का अनुभव रहा मेरा बिल्कुल भी मुझे कहीं पे भी ना कभी वो स्टार की तरह उन्होंने बिहेव किया ना कोई स्टार के बिल्कुल भी नहीं ये पूरी बातचीत मेरी अधूरी रहेगी अगर मैंने आपसे कविता नहीं सुनी <laughs> ना सिर्फ मेरी बल्कि जितने लोग ये देख रहे हैं उन सबकी आपसे रिक्वेस्ट है अगर चंग ये है कविता हाथ थामे रहो जी हाथ थामे रहो उंगलियों को उलझने दो हाथ थामे रहो मुश्किलों को सुलझने दो हाथ थामे रहो पसीने को महकने दो हाथ थामे रहो हथेलियों को बहकने दो हाथ थामे रहो खींचा तानी सी लगी है हाथ थामे रहो यहां भीड़ बड़ी है हाथ थामे रहो अब भी एक सांस बाकी है हाथ थामे रहो यूं जिंदगी का एहसास बाकी है थैंक थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए थैंक यू थैंक यू आप आए इतनी दूर और बातचीत करें बहुत आना ही tha. so था थैंक यू सो मच नमस्कार मेरा नाम है राजेश तेलंग और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर